हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा आपके चेहरे को जवान रखने के कुछ तरीकों के बारे में। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका चेहरा बेजुबान सा पड़ा रहता है, उनके चेहरे के अंदर कोई जान नहीं रहती। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि चेहरा बुरी तरह से मुरझा गया है। वो लोग तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तो तरह तरह की क्रीम लगाते हैं। उन लोगों के पास विंटर सीजन की अलग क्रीम है, समर सीजन की अलग क्रीम है, दिन की अलग क्रीम है, रात की अलग क्रीम होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने चेहरे पर उसे लगाते हैं तो केमिकल्स का इतना बुरा प्रभाव दिखाई देता है कि चेहरे पर बार बार गलत गलत तरह की फुंसी निकल आना, चेहरा पूरी तरह से मुरझा जाना, पिंपल्स रहना, एक्ने की प्रॉब्लम बनी रहना, चेहरे पर बार बार मुहासे बने रहना, ऐसी समस्या उन लोगों के साथ देखी जाती है। और वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, उल्टा उनके चेहरा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है, वो पैसा भी पूरी तरह से बर्बाद जाता है और उनका चेहरा भी सुंदर नहीं बन पाता। तो ऐसे में आज मैं आपको कुछ सिंपल से तरीके बताने जा रहा हूँ, अगर आप उनका इस्तेमाल करोगे तो इससे आपका चेहरा बहुत ही जल्दी खिल जाएगा। जैसे गुलाब का पंख फूल होता है वो खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपका चेहरा भी खिल जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, घर पर रहकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो अपने चेहरे को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है। अगर आप अपने चेहरे को गर्म पानी से धोते हैं तो इससे आपका चेहरा बहुत ही जल्दी सिकुड़ जाता है और चेहरा मुरझाया सा दिखाई देता है। जब कभी भी आप अपने चेहरे को धोएं तो सादा पानी से आपको धोना चाहिए, ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो नल का पानी होता है सिंपल, उसी पानी से अपने चेहरे को दिन में 2 या 3 बार ज़रूर धोना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर पर शहद लेके आ सकते हैं। शहद एक अच्छी क्वालिटी का लें, एक अच्छी कंपनी का लें, ऐसे अपने हाथों में रखें और अपने चेहरे पर इसे अच्छी प्रकार से जैसे मालिश करते हैं उस प्रकार से आपको एक बार लगाना है, या फिर आप जैसे क्रीम लगाते हैं कुछ उस फॉर्मेट में आपको अपने चेहरे पर शहद लगाना है। 20 मिनट जब पूरे हो जाएं, जब शहद पूरी तरह से सूख जाए तो सादा पानी या ठंडे पानी की मदद से अपने चेहरे को धो लें। इससे आपका चेहरा बहुत ही जल्दी सुंदर दिखाई देगा, आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपके चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जैसे कि दाग धब्बे हो जाना, खुजली होना, या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे होते हैं, यह भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला उपाय तो यह है, जब कभी भी आपको ज़रूरत हो अपने चेहरे पर शहद लगाएं, शहद लगाकर ठंडे पानी से या फिर सादा पानी की मदद से अपने चेहरे को धोएं। इससे आपका चेहरा हमेशा जवान नज़र आएगा। किसी भी प्रकार के जो बाहर के फेस वॉश होते हैं, गलत क्रीम होती हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। दूसरे उपाय में आप अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए चंदन का इस्तेमाल करें। आप थोड़ी सी मात्रा में चंदन ले लें, लगभग 2 चम्मच की मात्रा में चंदन लें और उसमें आपको 1 चम्मच हल्दी मिला लेनी है। इन दोनों को आप मिक्स कर लें। थोड़ी सी मात्रा में आपको इसमें गुलाब जल मिलाना है। गुलाब जल इतना मिला लें कि वो एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाए। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर इसे आप लगाएं। यह बिल्कुल नेचुरल तरीका होता है अपने चेहरे को बहुत ही ज़्यादा जवान रखने के लिए और इसे सुंदर बनाने के लिए। रात को सोने से पहले इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है, आधे से 1 घंटे तक इसे लगा कर रखना है। जब आधा सा 1 घंटा पूरा हो जाए तो आपको ठंडे पानी या फिर सादा पानी की मदद से अपने चेहरे को धो लेना है। इस उपाय को आप 1 हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। महीने भर इस्तेमाल करने से आपका चेहरा तेज की तरह चमकने लगेगा, आपके चेहरे पर ओज दिखाई देगा, आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझा जाता है तो आप ऐसी कंडीशन में अपने चेहरे को जवान बना सकते हैं। तीसरा तरीका मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तीसरा तरीका तो सबसे बेस्ट तरीका है। इसके लिए दोस्तों आपको बादाम रोगन तेल का इस्तेमाल करना है। बादाम रोगन तेल आप एक अच्छी कंपनी का खरीद सकते हैं। अगर आप बादाम रोगन तेल नहीं खरीदना चाहते हैं तो जो बादाम होता है अच्छी क्वालिटी का वो लेके आएँ और उसे अच्छी प्रकार से कुटवा कर इसका तेल निकलवा लें और इस तेल को अपने पास रखना है। लगभग 4 से 5 बूंद आपको अपनी हथेली पर रखनी है और अपने चेहरे पर इसे लगाना शुरू करना है।
आप इसे दिन में एक बार या दो बार जरूर लगाएं। इससे आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके चेहरे पर चमक बन जाएगी और जो आपका मुरझाया हुआ चेहरा है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आप इन तीन उपायों को करें। ये तीन उपाय करने से आपका चेहरा गुलाब की तरह खिलेगा, आपके चेहरे पर तरह तरह की रौनक आएगी, आप चार लोगों के बीच में अपनी पहचान बना पाओगे और हमेशा सुंदर रहने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये प्राकृतिक चीज़ हैं, इनका कोई भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा अगर आप तरह तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपने देखी भी होंगी, बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं और उनका कोई खास रिजल्ट देखने को भी नहीं मिलता। इसके अलावा आप शहद का इस्तेमाल करें, शहद बहुत ज़्यादा सस्ता भी आता है और अच्छा भी रहता है, चेहरे को अच्छा बनाता है, त्वचा को सुंदर रखता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से संबंधित ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।